और यार आप ये देख लो पेट्रोल पंप देखो एक बार आप किस जगह पे है, सिर्फ दो ही स्टेशन वर्किंग है। भाई यहाँ से हम लोग लोकल मेटाडोर ये टैक्सी कर रहे हैं एक दूसरी लेक पे जाने के लिए, क्योंकि गाड़ियाँ जाती नहीं है, तो ये मेटाडोर हम लोगों ने करी है। आप लोगों ने दीवार मूवी देखी होगी जैसे अमिताभ बच्चन की, उसके अंदर ऐसी ही मेटाडोर होती थी, तो इसी में अब हम लोग जा रहे हैं एक लेक की तरफ, क्योंकि वहाँ पे ये वाली गाड़ियाँ नहीं जा पाती, इनकी प्रोफेशनल गाड़ियाँ जो टैक्सीज होती है ना वही जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे बर्फ बहुत है। तो चलते हैं अब गाड़ी के अंदर, आई कैन सेट। तो अब हमने ये गाड़ी छोड़ दी है और यहाँ से हम लोगों ने टैक्सी ली है, ये अपनी गाड़ी जा रही है और अपनी टैक्सी हमने लोगों ने ले लिया, क्योंकि उस लेक तक ना दूसरी वाली गाड़ियाँ जाती नहीं है जो हमारी पर्सनल है, टैक्सीज ही जा पाती है। ये कोसाई लेक के पास की जगह है, यहाँ पे इस तरीके के रिजॉर्ट्स वगैरह बने हुए हैं, ये आप देख रहे होंगे मेरे लेक पे भी जो आ रहा है, ये भी दिस इज़ अ काइंड ऑफ रिजॉर्ट एंड दिस इज़ आल्सो अ काइंड ऑफ रिजॉर्ट। यहाँ पे बिल्कुल लोकल विलेज की लाइफ जी सकते हैं, तो पूरी बर्फ़ पड़ी हुई है, मतलब इसमें रहने का मज़ा ही कुछ और है। और हम भी आज इनमें से ही किसी एक में रहने वाले हैं, मनोहर में हमारी बात हुई है तो मोस्ट प्रोबेबली हम वहीं रहेंगे। और दूसरी वाली लेक पर जाने के लिए हमने ये लोकल टैक्सी लिया मेटाडोर, बिल्कुल अपना दीवार मूवी वाली मूव है, और ये हमारे साथ है, इसको कुछ समझ नहीं आता, इसको कुछ बोलना नहीं आता, तो इससे तो बात करना भगवान बराबर है। बाकी मेटाडोर के भी पूरे आनंद आ रहे हैं। और ये देखो आप जो रास्ता है, और अभी पेट्रोल पंप आ गया, पेट्रोल पंप पे भैया ने गाड़ी रोकी है, देखते हैं पेट्रोल क्या चल रहा है यहाँ पे, इस टाइप के पेट्रोल पंप्स है। किया की गाड़ी बहुत आ गई है यहाँ पे, जो भी को ये यहाँ पे कोसाई के पास ना इस टाइप के पेट्रोल पंप है आप देख रहे हो, और इस मेटाडोर को हमने हायर किया है एक लेक दिखाने के लिए, जिसको जिसके लिए इन्होंने हमसे 20,000 टींगे लिए हैं। और यार आप ये देख रहे हो पेट्रोल पंप देखो एक बार आप किस जगह पे है, सिर्फ दो ही स्टेशन वर्किंग है, और यहाँ पे ना पेट्रोल डीजल ज़्यादा महंगा नहीं है, आई थिंक इंडियन प्राइसेस में तकरीबन 30-35 के बीच में ही है, बहुत ज़्यादा नहीं है पेट्रोल प्राइसेस, क्योंकि गैस ऑलरेडी रशिया के पास बहुत ज़्यादा है, तो वो तो उल्टा बेचते ही हैं, तो यहाँ पे काफ़ी सस्ता ही है। तो अब चलते हैं लेक की तरफ। ये देखो यार बूढ़ा, इसने रेगिस्तान बर्फ़ के उसके ऊपर गाड़ी चला दी है, इसीलिए वो अपनी प्राइवेट गाड़ी नहीं लेकर आ पा रहा था, मतलब यहाँ पे अब रोड ही नहीं है, और हमें इस रोड से लेक तक जाना है, तो ये रास्ता है, वो पूरी बर्फ ही बर्फ है, मतलब रोड पे भी इतनी बर्फ आई हुई है, इसीलिए मुझे समझ में आया कि वो अपनी गाड़ी क्यों नहीं लेके जा पा रहा था, पॉसिबल ही नहीं था, चारों तरफ मतलब इतनी बर्फ है यहाँ पे, तो रोड पे भी बहुत बर्फ है। ये भाई अपना अब ये देखो, जैसे किसी को समझ आ सकता है क्या भाई बात बात बोल रहा है, चलो कोई नहीं। भाई इतनी बर्फ में लोग रहते कैसे होंगे, बड़ी कमाल की बात है यार। और यहाँ पे भी जनजीवन है, जबकि क्योंकि कजाकिस्तान का ना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत स्ट्रांग है। ओ माय गॉड, ओ भाई पानी में से गाड़ी निकाल रहा है भाई हमारा, ये होते हैं ऑफलोडिंग वाले बंदे। यो स्टीवन मैक्री, आई वांट टू विन, माय नेम इज गोर्जन, आई वांट टू स्टीच टू फ्लोस जिमी गेट फॉर्चून इज नाइफर टू होप एंड गो। भाई कुछ समझ आया तो बता देना, मुझे तो नहीं आया, बहुत अच्छा बंदा है। Oh my god, boy. Very hard. अरे पूरा स्लो पे ड्राइव कर रहा बंदा, और ये साथ में झरना बह रहा है पानी का, और ये ऊपर कॉटेजेस भी डाली हुई हैं। तो अभी हम भाई से बातें कर रहे हैं, भाई मुझे गूगल ट्रांसपोर्ट पे लिख के दे रहा है, शो मी व्हाट यू आस्किंग, माय एज
My age. My age? My age. My name is Bhushan. Okay. Oh, okay. India. Bye bye, India. Bye, Rapop. Kanda Prakati, India. Lublu, Lope. I love you, India. So, आप लोग ये लेक देखने आओगे तो भाई आपको लेक दिखा के लाएगा. बढ़िया बंदा है अपना. व्हाट इज योर नेम? योर नेम ओर्शन. मूर्जन. मूर्जन है भाई का नाम. और ये ऐसी खतरनाक वाली ऑफरोडिंग कर रहा है यहाँ पे, देखो. अब बढ़िया करता है. दिन में कह रहा है 10 से 12 चक्कर लगा देता हूँ मैं पूरी बर्फ के ऊपर और साथ में बिल्कुल पहाड़. बढ़िया वाली ड्राइविंग चल रही है भाई की. मज़ा आ रहा पूरा मेट्रोडोर में. हमें बहुत टाइम बाद बैठे हैं. अरे हो भाई, अभी अभी हमने वॉल्फ भी देखी है कि भाई कह रहा मैं दिखाता हूँ तुम्हें. बहुत डेंजर होती है यहाँ पे. ओह गॉश भाई, भेड़िया भेड़िया. ये रहा लेफ्ट में. वेट वेट, ही सेइंग वेटिंग वेटिंग. इसे वेट 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 शो हिम. पीछे पीछे अभी भाग गया ऊपर की तरफ. नहीं भाग गया, पहले भाग गया था. यहाँ पे जो हमने वो पर्ची कटवाई थी ना ऊपर 5,000 टिंगे की, तो उसी की एंट्री दोबारा से होती है दूसरी लेक के लिए. ओके ओके ला UDAY 25 12 25 23. ओके, ये यहाँ पे इस तरीके के घोड़े जाते हैं लेक के ऊपर. और जिम्मी भाई ने घोड़ा कर लिया है. भाई जिम्मी भाई, कौन सा घोड़ा पसंद किया आपने? अरे ये वाला, क्या बात है. तो ये वाला घोड़ा जिम्मी भाई ने पसंद कर लिया. ये 6,000 रुपये ले हैं एक घोड़े के. 1 किलोमीटर के करीब करीब ऊपर है, बाकी अभी हम जा रहे हैं तो पता चल जाएगा एग्जैक्टली. तो 6,000 टिंगे एक बंदे का रेंट ले रहे हैं घोड़े का किराया. तो चलते हैं, बाकी देखते हैं कैसा रहता है.